Hi friends, to welcome my channel Tamal IT Tips and Topics. मेरा नाम है तमाल नाग. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ. ACP implementation कैसे होता है, ACP implementation process क्या है, क्या क्या चीज ACP implementation के लिए follow करना पड़ता है, कुछ ideas मेरा पास है. मैंने खुद real time ACP implementation किया हूँ. Greenfield project, migration project मैंने किया हूँ. मेरा इस चीज को पर मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज मैंने आपका साथ शेयर करना चाहता हूँ. जी एसीपी इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप का होता है, कैसे होता है. पहले तो दोस्त एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो एसीपी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये टू टाइप्स के इम्प्लीमेंटेशन होता है. एक इम्प्लीमेंटेशन होता है जो आपको बोलता है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है. एक इम्प्लीमेंटेशन होता है जो माइग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो अपग्रेडेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है. ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो पहला ये चीज क्वेश्चन रेज होता है, जो ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है और ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन है क्या. ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन है फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन. आपका पास अभी एग्जिस्टिंग एसीपी ईआरपी सिस्टम नहीं है, आपका पास कोई दूसरा ईआरपी सिस्टम चल रहा है. हो सकता है ये ओरेकल चल रहा है, हो सकता है जो माइक्रोसॉफ्ट नेविसन चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट का कोई ईआरपी सिस्टम चल रहा है, हो सकता है आपका पास टैली ईआरपी सिस्टम चल रहा है. यहां से आप चाहते हो जी एसीपी में अपग्रेड करने के लिए, खुद को एसीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसीपी और इट्स ए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा होता है अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, एसीपी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट. आपका पास एग्जिस्टिंग एसएपी ईआरपी ईसीसी का कोई भी वर्जन चल रहा है, हो सकता है जी ईसीपी 6.0 चल रहा है, हो सकता है ईसीसी 5.0 चल रहा है. यहां से आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हो एसएपी S4 हाना में, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ये हो गया आपका अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट. अभी प्रोजेक्ट का कुछ स्कोप होता है, कोई जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका कोई कुछ स्कोप होता है. किस टाइप का स्कोप होता है, स्कोप में आपको डिफाइन रहता है कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. उसके लिए मैंने कुछ पीपीटी बनाया, कुछ प्रेजेंटेशन बनाया, आप लोगों को देख के अच्छा चीज को समझ में आए जे कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे प्रोसेस होता है. तो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है आप देखिए, ये जो मेरा स्लाइड है इसमें आता है स्कोप एजेंडा. क्या एजेंडा है, एसीपी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो पहले उसका प्रोजेक्ट स्कोप बनता है. प्रोजेक्ट स्कोप इसका फर्स्ट आपका स्टेज है. सेकेंड स्टेज में आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच. थर्ड स्टेज में आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फोर्थ स्टेज में आता है प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर. और फिफ्थ में क्या आता है, जो एकदम लास्ट में आता है, ट्रेनिंग अप्रोच, इश्यू मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड चेंज मैनेजमेंट. ये जो पांच चीज है, ये पांच चीज है आपका पिलर. कोई भी एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का जो पिलर होता है, ये पांच पिलर से जिसके ऊपर बेस करके हम लोग एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो इसमें आपको लगेगा एक हाई लेवल स्कोप. क्या है हाई लेवल स्कोप, एसीपी का जो बहुत सारे मॉड्यूल्स होता है, जैसे मैंने मेरा फर्स्ट जो वीडियो बनाया था जो व्हाट इज एसीपी, उसमें मैंने बताया था जो एसीपी का मॉड्यूल्स किस टाइप का होता है, फंक्शनल मॉड्यूल्स होता है, टेक्निकल मॉड्यूल्स होता है, ये चीज मैंने बताया था. तो इसमें भी देखिए मैंने मेंशन किया जितना सारे फंक्शनल मॉड्यूल है, जैसे फिको हो गया, जैसे एमएम हो गया, जैसे एसडी हो गया, जैसे पीपी हो गया, जैसे क्यूएम हो गया, ये हो गया आपका फंक्शनल मॉड्यूल. जैसे प्लान मेंटेनेंस भी है, डीएमएस भी है, एक्जिम भी है, ये सब आपका हो जाता है फंक्शनल मॉड्यूल. और इसमें टेक्निकल मॉड्यूल क्या क्या है, जैसे एबाप है, बेसिस है, एसीपी जीआरसी है, सिक्योरिटी है, फ्यूरी है, ये हो गया आपका टेक्निकल मॉड्यूल. जो आपका फंक्शनल मॉड्यूल में होता है, जैसे मैंने बोला फिको, जिसको बोलते हैं फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये क्या होता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. इसको और एक दूसरा लैंग्वेज में बोला जाता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट.
सेकेंड पे आता है मटेरियल मैनेजमेंट, जिसको बोला जाता है प्रोक्योर टू पे। थर्ड में आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर टू कैश, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, प्लांट टू प्रोड्यूस। तो ये जो चीज है, ये सब उसका दूसरा नाम है। इसके इनर मीनिंग भी बहुत सारे हैं। जैसे आप, मैंने जैसे आपको बोला रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, तो जैसे एक रिकॉर्ड बनता है कोई भी चीज, अगर आपको फर्स्ट स्टेज आते हो रिकॉर्ड, कोई भी सेल हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी परचेस हुआ, तो उसका पहले रिकॉर्ड बनता है। और ये रिकॉर्ड कहाँ जाके कंक्लूड होता है? रिपोर्ट में जाके कंक्लूड होता है। जैसे आपके पास जैसे आता है जो मेटेरियल मैनेजमेंट, मेटेरियल मैनेजमेंट मतलब है आपको प्रोक्योरमेंट, पीओ देना, उससे पहले उसका इंक्वायरी रेस करना, कोटेशन रेस करना, पीओ आने के बाद उसका पेमेंट के लिए चला जाता है, मायरों में चला जाता है, जो फिनेंस इंपैक्ट होता है, उसके बाद पेमेंट होता है, सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये प्रोक्योरमेंट जब होता है उसका एक प्लानिंग बनता है जो प्रोक्योरमेंट का, तो प्रोक्योर टू पे उसको बोलता है मटेरियल मैनेजमेंट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऑर्डर टू कैश। आपका पास कोई ऑर्डर आया, आपका पास कोई इंक्वायरी आया कस्टमर से, जो आपका पास ये माल है क्या नहीं है, ये आपको दे सकते हो नहीं दे सकते हो, और उसके बाद कस्टमर क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है। ये ऑर्डर टू कैश मतलब वो ऑर्डर से लेके जब तक कस्टमर का पेमेंट ना आ रहा है, पेमेंट आ गया, ये पूरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑर्डर टू कैश। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? प्लान टू प्रोड्यूस, प्लांट से लेके अप टू प्रोड्यूस तक, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, और भी बहुत सारा जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वो सब फंक्शनल मॉड्यूल है। राइट साइड में आप लोग देख रहे हो जो टेक्निकल मॉड्यूल्स भी है, जैसे एबॉब है, बेसिस है, सिक्योरिटी है। ये मैंने बताया था एबॉब क्या है, एबॉब इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप SQL जानते हो तो एबॉब के लिए आपको हेल्प होगा। बेसिस है एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजेबिलिटी, सिक्योरिटी, GRC है, कैसे आप ACP को सिक्योर कर सकते हो, कैसे आपका जो ACP इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। फ्यूरी क्या है? फ्यूरी आपको ग्राफिकल इंटरफेस जो क्लाउड में रहता है, जहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे ACP आप फोन में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फ्यूरी एप्स आपका फोन में है, आपका हैंडसेट में है, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आपका पास हमेशा लैपटॉप नहीं रहता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, किसी भी जगह पे हो जहाँ आपका पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन आपका पास अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल से भी आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो वो चीज होता है फ्यूरी के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, ये प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का हिसाब से होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसका बहुत सारे फेज बनता है। जैसे एक फेज हो गया प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, दूसरा फेज हो गया बिजनेस ब्लूप्रिंट, फिर रिजोल्यूशन, फिर फाइनल प्रिपरेशन, उसके बाद आता है गो लाइव एंड सपोर्ट। जैसे मैंने जैसे ऊपर में दिया 1, 2, 3, 4 करके अप टू 32 तक, ये आपका वीक्स, ये डिटरमाइन करता है वीक्स। तो फास्ट जो वीक है उसमें आपका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन बनता है, कैसे प्रोजेक्ट होगा, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे प्रोजेक्ट बनना चाहिए, उसका जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है वो चाहिए। उसमें आपका हार्डवेयर आ जाता है, आप कहाँ हार्डवेयर ले रहे हो, आपको ऑन प्रेम में रहेगा क्या, क्लाउड में रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन का टीम कौन कौन रहेगा, उसमें कस्टमर का साइड से क्या कोर टीम मेंबर्स कौन होगा, कोर टीम कैसे बनेगा, कंसल्टेंट का साइड से भी उसका फंक्शनल मॉड्यूल वाइज कंसल्टेंट कौन कौन रहेगा, टेक्निकल मॉड्यूल वाइज कंसल्टेंट कौन कौन रहेगा। ये सब होने के बाद ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट क्या बनता है? ब्लूप्रिंट ये बनता है जो आपका अभी का जो प्रोसेस है, जो बिजनेस आप जिस प्रोसेस से चला रहे हो, वो प्रोसेस को पहले एनालिसिस किया जाएगा, जो प्रोसेस कितना सही है, वहां से बनेगा टू बी प्रोसेस, जो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट इट्स ए काइंड ऑफ बाइबल, आप बोल सकते हो जो ये प्रोजेक्ट का बाइबल बन गया। अभी वो ब्लूप्रिंट में जैसा रहेगा प्रोजेक्ट ऐसा ही होगा। तो आपको ब्लूप्रिंट को एकदम सही से देख के पढ़ के फिर उसको अप्रूव करना है। अगर ब्लूप्रिंट में कुछ
प्रॉब्लम है, ब्लूफिन में कोई डेफिसिट है, तो वो आपका प्रोजेक्ट पे चला आएगा। उसका बाद आते रियलाइजेशन फेस, जब प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन का एक इम्पोर्टेंट फेज है रियलाइजेशन फेज। तो उसमें बहुत सारे चीज रियलाइजेशन फेज में आता है, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करना पड़ता है। उसका बाद डिप्लॉयमेंट होता है प्रोजेक्ट को, डिप्लॉयमेंट का बाद आता है गो लाइव, कट ओवर होता है जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो बिजनेस को कट ओवर करके वो एसीपी इम्प्लीमेंट होता है। तो वो पुराना जो सिस्टम था वहाँ से डेटा आपको माइग्रेट करके एसीपी में लेके आना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कट ओवर एक्टिविटीज। उसके बाद आपका सपोर्ट चलता है, वो सपोर्ट का बाद चीज धीरे 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 स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो पांच पॉइंट है, जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को कितना टाइम लगेगा, ब्लूप्रिंट के लिए आपको 2 weeks से 8 weeks तक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, फिर रियलाइजेशन के लिए आपको 9 weeks से 20 weeks तक, ये एक टेंटेटिव टाइम है, 2 week कम हो सकता है, 3 week ज़्यादा हो सकता है, फिर डिप्लॉय के लिए 4 week लगता है, फिर पोस्ट गो लाइव के लिए भी 7-8 week लग जाता है। आपका कोर टीम जितना स्ट्रांग होगा, आपका कंसल्टेंट लोग जितना अच्छा होगा, आप जितना बढ़िया तरीका से आप ब्लूप्रिंट बना पाओगे, प्रोजेक्ट उतना जल्दी और उतना सक्सेसफुल बन पाएगा। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में दो साइड है, एक साइड में आता है ओनर, मतलब जो कंपनी जिसमें एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट साइड में आता है आपका कंसल्टेंट और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। एक होता है आपका खुद कंपनी, जो कंपनी में एसीपी इम्प्लीमेंट होता है हो रहा है, दूसरा साइड में आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो जो कंपनी खुद एसीपी इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका कंपनी में, तो उसको क्या इनपुट देना पड़ता है एज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट स्टेज है एज इज, जो इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपका कंपनी में चल रहा है वो क्या है, वो आपको कंसल्टेंट लोगों को बताना पड़ेगा जे ये चीज ये प्रोसेस हम लोगों को अभी चल रहा है। नेक्स्ट में आता है जो बिजनेस रिक्वायरमेंट, मेरा किस टाइप का बिजनेस है, मेरे को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस मेरा चल रहा है उसमें मेरा ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, मेरा एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है और प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपका जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो आपको आपको पार्टनर को कंसल्टेंट को बताना पड़ेगा। थर्ड होता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपको रिपोर्टिंग बेसिस पे क्या क्या चाहिए, किस टाइप का आपको रिपोर्टिंग चाहिए, उसी टाइप पे कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसी टाइप पे आपका पूरा चीज बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। इस तीन चीज जानने का बाद जो आपका पार्टनर है वो आपको टू बी प्रोसेस बना के देगा, ये क्या प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है आपका एज इज का ऊपर, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट का ऊपर, आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का ऊपर बेस करके कंसल्टेंट आपको बना के देगा आपका टू बी प्रोसेस क्या है। आप देखो वो एरो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट जा रहा है, पहले का जो तीन एरो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, मतलब रिक्वायरमेंट देगा आपका कंपनी, जो कंपनी में एसीपी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जा रहा है कंसल्टेंट का पास। कंसल्टेंट आपको बना के दो चीज देगा, एक है आपका बिजनेस प्रोसेस, टू बी प्रोसेस क्या होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट, और रियलाइजेशन वो चीज आपको देगा कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद जो सिक्स स्टेज आता है वो कस्टमर करेगा, वो क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस, सिस्टम को टेस्ट करके देखेगा जहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया कंसल्टेंट, जो पार्टनर मेरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया वो कॉन्फ़िगरेशन सही है क्या नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पूरा प्रोसेस को एंड टू एंड हर ट्रांजेक्शन को हर मॉड्यूल को वो टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग करके एक्सेप्टेंस देगा। उसके बाद कंसल्टेंट क्या करेगा, जो एंड यूजर है जो डेली के डेली एंट्री करेगा, रिपोर्ट निकालेगा, फिर मास्टर डेटा भरेगा,
उसको ट्रेनिंग देगा कैसे ये चीज करना पड़ता है। उसके बाद आता है गो लाइव। ये पूरा चीज होने का बाद आपका पास काटोबा टाइम लिया जाएगा, उस टाइम पे मास्टर डेटा अपलोड होगा। अपलोड होने का बाद आपको एसीपी में पुराना प्रोसेस छोड़ के एसीपी में आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा और आपको वहां से रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। वो होगी आपका गो लाइव। गो लाइव का बाद और एक स्टेप है जो सपोर्ट, किसी किसी कंपनी का 2 महीना 3 महीना 4 महीना सपोर्ट चलता है। जब तक ना जो कोर टीम है कंपनी का वो स्टेबल ना हो जाए, वो प्रॉपर तरीका से एंट्री ना कर पा रहा है कर पाए, उसी लिए आपको सपोर्ट देना पड़ता है। 3-4 महीने का सपोर्ट चलता है। उसका बाद आता है ओवरव्यू ऑफ डेटा माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डेटा माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। आपको क्या होगा, कैसे होगा, ये जो आपका डायग्राम मैंने दिखाया यहाँ यहाँ पूरा क्लियर है। डेटा माइग्रेशन का जो है डेटा माइग्रेशन फेस, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ब्लूप्रिंट, फाइनल प्रिपरेशन एंड सपोर्ट। जो डेटा माइग्रेशन वर्कशॉप है, फाइनलाइज डेटा टेम्पलेट, डेटा जो माइग्रेट होगा पहला आपका काम है जो टेम्पलेट क्या होगा, कौन सा टेम्पलेट में डेटा भर के डेटा माइग्रेट होगा। दूसरा चीज होता है डेटा एक्विजिशन, इसमें आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, वो सब डेटा को मैप करना पड़ेगा। वो मैप करने के बाद वो डेटा आपका वो टेम्पलेट में भरना पड़ेगा, भर के वो माइग्रेट होगा नया सिस्टम में, एसीपी सिस्टम में। लेकिन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो डेटा क्लीनिंग का काम है, जो डेटा क्लीनिंग का काम है, क्योंकि हो सकता है आपका एज ए सिस्टम में बहुत सारे ऐसा डेटा है जो गार्बेज डेटा है, जिसको ले जाने का कोई जरूरत नहीं है, ले जाके अननेसेसरी सिस्टम का स्पेस, उसमें स्पेस भरेगा, सिस्टम स्लो होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो भी डेटा आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गार्बेज डेटा है, उसको आप इसी लेवल पे क्लींजिंग कर दो। तो जो भी डेटा आपका जाएगा वो फ्रेश डेटा जाएगा, जो आपका काम का डेटा जाएगा, अननेसेसरी डेटा नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आता है, QA एंड प्रोडक्ट लोड। जो आपका क्वालिटी सर्वर है उसमें डेटा लोड होगा, डेटा टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपका जाएगा प्रोडक्ट में जाएगा, मतलब प्रोडक्शन सर्वर में जाएगा। QA सर्वर होगी आपका टेस्टिंग सर्वर, उसके बाद प्रोडक्शन सर्वर में जाता है। 3 सर्वर मेनली होता है, एक आपका डेवलपमेंट सर्वर जहाँ डेवलपमेंट होता है, दूसरा आपका क्वालिटी और टेस्टिंग सर्वर जहाँ डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग होता है, थर्ड आपका प्रोडक्शन सर्वर। टेस्टिंग होने के बाद अगर आपको लगे जी एकदम फुल प्रूफ चल रहा है चीज, तब वो जाके प्रोडक्शन सर्वर में जाता है। हम लोग डे टू डे जो भी एक्टिविटीज करते हैं यूजर, वो प्रोडक्शन सर्वर में करता है, जो बहुत क्रूशियल सर्वर होता है। देखिए मैंने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिसाब से भी मैंने एक डायग्राम बनाया। फर्स्ट रहता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, जो प्रोजेक्ट के लिए खर्चा करता है, जो स्पॉन्सर करता है। उसका बाद आता है स्टीयरिंग कमिटी, उसका बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, फिर आता है प्रोजेक्ट टीम, फिर आता है एंड यूजर। ये जो हायरार्की है ये बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की है। इसमें आपको पता चलेगा जो कौन सा लेवल पे कौन सा काम होता है। जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है वो कंपनी का जो मालिक होता है, जो ओनर ऑफ द कंपनी, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है। जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा दे रहा है प्रोजेक्ट के लिए। उसका बाद आता है स्टीयरिंग कमिटी, जो जिसका ऊपर एक प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। स्टीयरिंग कमिटी में कौन कौन रहता है, स्टीयरिंग कमिटी में रहता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो भी जो लोग है, प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, फिर आपका हो सकता है जो स्पॉन्सर, जो प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है वो भी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी पे रहता है। फिर आता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, उसका नीचे एक मैनेजमेंट टीम होता है, जो हर मॉड्यूल्स का ऊपर एक एक करके मॉड्यूल हेड रहता है। उसके बाद प्रोजेक्ट टीम होता है, जो लोग टेस्टिंग करेगा, चेक करेगा, देखेगा सब प्रॉपरली मॉड्यूल वाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसका बात है एंड यूजर, एंड यूजर आके एंट्री मारता है, एंड यूजर आके उसमें डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होता है वो एंड यूजर करता है।
हम लोग जो लास्ट फेज देखा था, जो एकदम पहला स्लाइड में हम लोग देखे थे, जो लास्ट फेज में आता है इशू मैनेजमेंट, उसके बाद है आपका इशू मैनेजमेंट टेस्टिंग आता है इशू मैनेजमेंट का बाद, फिर आता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट आता है। ये जो इशू मैनेजमेंट है, आप जब SAP इंप्लीमेंट कर रहे हो सकता है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, माइग्रेशन प्रोजेक्ट, इसमें इश्यूज बहुत सारे आएगा इनिशियल स्टेज में। तो वो इशू क्या क्या आ सकता है, जो कैसे उसको डिफाइन करना है, उसका कैसे कैसे आप वो चीज को एड्रेस करोगे, ये इशू मैनेजमेंट का जो कंसोल है इसमें आप देखो, इसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया हूं मैंने जो कैसे चीज को करना है। द पर्पस ऑफ दिस टास्क is to establish effective procedure to manage and resolve a wide range of ongoing issues that occur throughout the project duration. Ensure the open issues are assigned, documented, reviewed and resolved in a timely manner. Open issues that can't be resolved by the project team must be escalated to project management or steering committee so that decision can be made quickly. ये जो तीन चीज मैंने बताया बहुत important चीज है, बहुत ही easy language में ही लिखा गया है, ऐसा कुछ hardcore कुछ नहीं। आप एक बार करके इसको पढ़ोगे तो ये चीज पूरा clear हो जाएगा आपके लिए। उसका बाद जो मैंने next slide में आना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वही टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसा होता है? टेस्टिंग तीन चार टाइप का होता है। एक होता है आपका इंटरनल यूनिट टेस्टिंग बाय इंडिविजुअल कंसल्टेंट। जैसे आपका फास्ट पकड़ लीजिए, आपका MM कंसल्टेंट, जब प्रोक्योरमेंट होता है सप्लायर से प्रोक्योरमेंट, तो MM कंसल्टेंट जो MM का जितना सारे टी कोड से मास्टर डेटा है उसका टेस्टिंग करेगा, उसका रिपोर्ट टेस्टिंग करेगा। SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसका अलग से टेस्टिंग करेगा। फिको, उसका अलग से टेस्टिंग होगा। उसके बाद आएगा आपका फाइनेंस का जो भी एंट्री है, प्रोडक्शन का जो भी एंट्री है वो अलग से टेस्टिंग करेगा। हर मॉड्यूल अलग अलग टेस्टिंग होगा। उसका बाद आता है इंटरनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एक एंड टू एंड फ्लो चलेगा। जैसे कोई भी माल का इंक्वायरी आया और कोई भी माल का कोटेशन के लिए मैंने सप्लायर को भेजा, वो कोटेशन से लेके परचेज ऑर्डर बनेगा, परचेज ऑर्डर बनने का बाद चीज को परचेज होगा, फिर मेरा GRN होगा, स्टॉक में चीज आएगा, फिर माइरो करेंगे, पेमेंट कर देंगे सप्लायर को, वो जो स्टॉक में वो मटेरियल आया है वो चला जाएगा आपका प्रोडक्शन में चला जाएगा, वहां से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद वो क्वालिटी टेस्टिंग होगा, उसके बाद डिस्पैच में चला जाएगा, वो माल बाहर बिकेगा, वहां से कस्टमर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे चला गया, बाहर माल बिका, कस्टमर से पैसा आया, तो पूरा एंड टू एंड जितने सारे मॉडल हेड है सब बैठ के वन एक ही ट्रांजेक्शन को एकदम MM से लेके, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट से लेके, SD से लेके, फिको से लेके, पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। थर्ड क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग बाय कोर टीम कंसल्टेंट। यूनिट टू यूनिट टेस्टिंग करना पड़ता है। जैसे आपका बहुत सारे यूनिट है तो उसको टेस्टिंग होगा, कोर टीम मेंबर बैठ के वो टेस्टिंग करेगा। यूनिटी टेस्टिंग होता है, जैसे आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूजर करेगा, हर ट्रांजेक्शन प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हर रिपोर्ट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई जगह पे कोई बग्स तो नहीं आ रहा है, कोई रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा चीज है तो आपको इमीडिएट स्टीयरिंग कमिटी में, नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उसको एस्केलेट करना है सो दैट दे कैन टॉक टू द योर कंसल्टेंट, योर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर और उसको रिजॉल्व करें। SAP जो सबसे बड़ा बात है, जो SAP का जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करता है, SAP इज इक्वल टू चेंज। मतलब क्या है? मतलब है SAP इज चेंज मैनेजमेंट।
पूरा प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है, आपका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाता है। पहले आपका जो भी प्रोसेस था अभी वहां से आप ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोसेस में आ गया। ये चेंज मैनेजमेंट है सबसे बड़ा, चेंज इन प्रोसेस, ट्रांजिशन टू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज इन रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। एसएपी इज ए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। टेक्नोलॉजी इसमें तो है ही, आपका बिजनेस प्रोसेस तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर एसीपी को लेके आप सोच रहे हो, आप इम्प्लीमेंटेंस करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। मेरा नेक्स्ट स्लाइड जो है, जो की स्लाइड है, ये शायद मेरा लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में मैं बोलना चाहता हूं ये जो एसीपी इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज ड्रिवन बाय टॉप मैनेजमेंट, इट्स ए टॉप डाउन अप्रोच। एकदम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से लेके अप टू एंड यूजर तक ये प्रोजेक्ट है टॉप डाउन अप्रोच प्रोजेक्ट। इसमें मैनेजमेंट को ये चीज बोलना पड़ेगा जी, ये जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप फॉलो करो, ये प्रोसेस को आप फॉलो करके काम करो, आपको इतना दिन से जो सक्सेस मिल रहा था उससे ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, सिस्टम और फैमिलियर होगा, आपका पास और भी क्लैरिटी आएगा, आपका पास और ज्यादा डेटा जेनरेशन होगा, एंड रिपोर्ट वाइज आपका पास और क्लैरिटी आएगा। डेडिकेटेड कोर टीम अवेलेबिलिटी, कोर टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एक अच्छा सा कोर टीम होना। थर्ड आता है क्लियर विजन ऑन द बिजनेस प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। आपका बिजनेस प्रोसेस क्या होगा उसको क्लियर होना पड़ेगा आपको। उस टाइम पे ऐसा ना हो जाए मेरा बिजनेस प्रोसेस लेके मेरा पास क्लैरिटी नहीं है, तो आपका ब्लू प्रिंट गलत बन जाएगा। अगर आपका ब्लू प्रिंट गलत बन गया, आपका पूरा प्रोजेक्ट गलत बन गया, उसमें आपका प्रोजेक्ट सक्सेस रेट आपका नीचे आ जाएगा। चेंज मैनेजमेंट है, मैंने जैसे पहले बोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर एसीपी इंप्लीमेंट करना है, आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। फिर उसका बात आता है क्विक डिसीजन मेकिंग ऑन बिजनेस चैलेंजेस। आपका पास जो भी बिजनेस चैलेंजेस है, देखो दोस्त, बिजनेस चैलेंजेस रहता है कोई भी बिजनेस का, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिसीजन के लिए आप ज्यादा दिनों तक आप वेट नहीं कर सकते हो। ये सब फिर आपको मास्टर डेटा कलेक्शन और क्लींजिंग आएगा। बहुत सारे मास्टर डेटा, जैसे हो गया आपका वेंडर मास्टर हो गया, आपका कस्टमर मास्टर हो गया, आपका मेटेरियल मास्टर हो गया, ये सब होता है आपका मास्टर डेटा। ये मास्टर डेटा को प्रॉपरली क्लींजिंग करके आपको अपलोड करना है। ये जो मैंने स्लाइड आप लोगों को दिखाया बताया, ये एक एसीपी प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। ये प्रोसेस अगर आप मेंटेन करके एसीपी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो आपको एसीपी इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेस आना ही है। थैंक यू दोस्त, मेरा पास जो भी इम्प्लीमेंटेशन का इंफॉर्मेशन था उसका मैंने एक ब्रीफ दिया। एसीपी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चीज है, मैं आगे जाके एसीपी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, एक आपको मैंने बुलेट पॉइंट बता दिया जो क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुली एसीपी इम्प्लीमेंटेशन करना है। दोस्त, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल बटन में क्लिक करना, सो दैट मेरा आगे का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।